नाउ वी विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, सबसे पहला स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. आप में प्रूफ नहीं है, आपको बस याद करना है. ठीक है, आप प्रूफ भी कर सकते हो, लगा के कोई डिफरेंस नहीं आएगा. नेक्स्ट है एसोसिएटिव. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने देखा था वेक्टर आई डॉट वेक्टर ए कितना होता था, मॉड ऑफ आई का स्क्वायर. तो वही है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. कैसे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, कितना आएगा, मॉड ए और कॉस थीटा. अब सेम वेक्टर का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री. कॉस जीरो कितना होता है, वन. और मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का होल स्क्वायर. दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, बहुत सारे मैथों में काम आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय एनी स्केलर. अब देखो मल्टीप्लाई है, सिंपल इसको ऐसा समझना, जैसे मैंने देखा 3 × 4 और ये बाहर मैंने स्केलर टू मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये एम या तो इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर एम इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है. सिंपल सी बात, यहां देख लो कितना आंसर आएगा अगर ऐसा करता हूं, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24. अगर मैं ऐसा करके इसको ऐसा करता हूं, 2 × 3 × 4 तब भी कितना आंसर आएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24. और अगर मैं इसको ऐसा ना करके ऐसा करता हूं, 3 × 2 × 4 तब भी कितना आएगा, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 20. तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है. अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की. दो तीन प्रॉपर्टीज हैं और मैं तीनों आपको लिख पाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक प्रूफ करके भी दिखाऊंगा. तो आपको प्रूफ से क्या होगा कि आपको वेक्टर्स थोड़ा सॉल्व करते बनने लगेगा. तो नाउ वी विल लुक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. और इन तीन प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगा और बाकी आपको तीनों याद कर लेना है या क्लास 12 में प्रूफ करना सीखोगे. ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट. मैं आपको पहला प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है, बाकी दो आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना. सबसे पहला है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, मॉड ए का स्क्वायर, सॉरी यहां पे स्क्वायर आएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. अब देखो कैसे आता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, अभी आपने एक पढ़ा था कि अगर मेरे पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये किसके बराबर है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर. तो अगर मैं इस पूरे को वेक्टर ए मान लेता हूं, वेक्टर ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी. क्लियर है ना, मैंने इस पूरे को ए के बराबर. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, यहां पे मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर दिया है, तो दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ए का इसके साथ, ए का बी के साथ, फिर बी का ए के साथ और बी का, तो कितना आया, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी. इतना आएगा. अब आपको फिर से इसी रूल पे आ गए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर. वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी भी कितना हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर. ये प्लस, अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अभी मैंने पढ़ाया इसके पहले, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. तो ये दोनों सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो जब ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. ये अपना प्रूफ हो गया कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. सिमिलरली आप ये दोनों प्रूफ करने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.